हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। तो दोस्तों, सिर्फ हम बात करने वाले टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में। टाटा स्टील के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली ऑलमोस्ट 0.4-0.5% के अराउंड की एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो हमें तेजी, और उसी के साथ काउंटर के अंदर हमें एक फ्लैट परफॉर्मेंस और एक फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग भी जो है वो आज देखने को मिल चुकी है। तो देखो दोस्तों, ओवरऑल टाटा स्टील भी यहाँ पर एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज को अब एंड कर सकता है, क्योंकि पिछले 1 मंथ से टाटा स्टील यहाँ पर जो है वो हमें लोअर साइड पे 147.48 एंड अपसाइड पे 155.56 के बीच में ही यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। हमने आपको ऑलरेडी बताया भी था, 156 के ऊपर निकलेगा तो हम टाटा स्टील के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी, लेकिन अभी तक वो हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। बट ओवरऑल मेटल सेक्टर, वेदांता, सेल, हिंडालको, JSW स्टील, जिंदल स्टील, सारे के सारे स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं, तो शायद से टाटा स्टील के अंदर भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब अगर मान लो 156 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, लॉन्ग जाना है तो सिर्फ फ्यूचर्स को या तो कैश में खरीदारी करके चलना, ऑप्शन बाइंग मत करना, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो ज़्यादा मोमेंटम आपको शायद से ना मिले।